अरे किरकी तो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो चलिए निकलते हैं, मौसम एक बार आप चेक कर सकते हैं। 3 दिन से बारिश ही हो रहा है। को बाहों में लोना तुम मेरी मर्सी सांसों में। बारिश का जो माहौल है वो रात से ही है। और देखिए बारिश का मौसम था और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं चाय पीने के लिए। एक अलग मजा होता है बारिश में, तो चाय पीना जरूरी होता है ना। गरी बहुत जरूरी है, ये हो गया है ठंड। ठंड तो हो ही गया है और रास्ते में भी मुश्किल से आगे कुछ दिख रहा है। पूरा कॉलोनी भी सुनसान अभी तक है, लेकिन स्कूल देखिए बच्चा लोग लेकिन स्कूल जरूर जा रहे हैं। और 2 दिन से हम लोग का लाइट भी नहीं है, इस बारिश के चलते हम लोग का लाइट भी 2 दिन से कटा हुआ है। फिर भी आराम है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है ना। और सबसे ज्यादा खूबसूरती हम लोग का इस रोड का है, देख लीजिए। ना खराब होता है ना सुधरता है, हाल यही है। अपने चलने लगा है यार, लाइट उठ का कुछ पता नहीं चल रहा है। आज देगा मेन दिक्कत जनता का हो गया है। ये पेड़ सट रहा है, पूरा काटना होगा। और सब पुराना पेड़ सारा दिख रहा है, देखो हर जगह सट रहा है। हम लोग फिर वही डायलॉग हम लोग देना चाहेंगे कि सुबह सुबह बड़े बड़े कोठी बंगले वाले के टाइप में हम लोग भी निकल चुके हैं चाय पीने के लिए, कि ताकि हम लोग भी कोठी बंगले वाले लग सके। सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं अपने और गाड़ी में। तो हम लोग खाना तो नहीं बांटेंगे लेकिन चाय जरूर पियेंगे। अगर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को फेमस कर देंगे तो एक टाइम होगा कि हम लोग भी खाना बांटेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। जो जो अपने आप चल रहा है ना, ये सही नहीं लग रहा है। दर्जन वाला गाड़ी नहीं ना है, अब शायद बंद हो। देख रहा हूँ ठीक है, बेटा लोग स्कूल पहुँचाने के चक्कर में भींग ले गया है कुछ छोड़ने में। थोड़ा सा पहले जाता ना 6:30 तक तो नहीं भींगता। कभी बरसात के मौसम में पीते हैं चाय। 15 मिनट्स लेटर। बताइए पूरा घर हम खोज रहे हैं कि आखिर ये लोग है कहाँ। देखिए कहाँ है, यहाँ घुस के बैठे हुए हो तुम लोग। चलो बहुत अच्छा, 3 दिन होने जा रहा है, परसों से लाइट नहीं है हम लोग। इधर हम लोग के मोदी भैया जो लाइन दिलवाने में हम लोग लगे हुए हैं शुरू से, परसों से ही लगे हुए हैं। और इधर हम लोग मेन मिस्त्री यार, हमारे बारे में बता दो जियो। तो 10 पोल जितना तार शॉर्ट कर गया है। कौन चढ़ेगा बिक्की, तुम चढ़ेगा? छोटू से ही पूछते हैं, ये कल जेई से बात भी हुआ था। और छोटू बताओ कितना पोल का झमेला है सब? 10 पोल का यहाँ लाइन गिरा हुआ है, दिखाइए वहाँ से दिखाइए। हाँ
वहाँ से आप लोग देख सकते हैं गिरा हुआ, वहाँ से पूरा ये पूरा पोल ही पोल, पूरा बिजली विभाग लगा हुआ है इधर, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन गिरा हुआ है। तो कब तक बनने का उम्मीद है? आज तीसरा दिन हम लोग इस काम को पूरा फाइनल करेंगे। पेड़ कटा रहा है, सब पेड़ कट रहा है, इधर दिखाइए और काम करवा के लाइन आ जाएगा। हाँ, ताकि यहाँ का जनजीवन जो है वो ठीक ठाक चालू ढंग से चले। हाँ, फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है, इसलिए काम में लगे हुए हैं। इधर आप लोग अपडेट देते हैं, दूसरा यूट्यूबर भी, आप सब यूट्यूबर है, सब यूट्यूबर वीडियो में नहीं आ पा रहा, लाइट उट कट गया है, कैसे वीडियो शूट करें और अपलोड करें, जिसके कारण हम लोग जल्दी लाइन चाहते हैं और फिर वीडियो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। ये वाला ब्लॉग ये देखिए, पीछे जो बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हाँ यही रहना है, यही बन रहा है, ठीक है, जा जल्दी करो जल्दी अपलोड करिएगा। था एक बार हम लोगों कॉलोनी जंगल झाड़ में बसा, हम लोगों कॉलोनी बिजली विभाग जब बोल दिया कि जंगल में कहाँ चला इनका लगा जी, बोलो ना, यही बोल दिया, लोग बोले इतना जंगल में रह रहे हैं तो अब ऐसा नौबत हो गया कि हम लोगों को चंदा करना पड़ेगा। चलिए चंदा करते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू रखा गया चंदा का, जोनी जो है उसको लीड कर रहा है चंदा का टीम, उसके बाद हम दिखाते हैं टेक्निकल टीम जो है उधर काम कर रहा है, बिल्लू बादशाह है यहाँ पे, चंदा उंदा सब हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं पेड़ कटाई भी हो रहा है, जो इधर लाइन जाता है वो हम लोग का कॉलोनी जाता है, इधर सारे अपने कॉलोनी के बंदे लोग हैं। कैसा लगेगा तीन दिन बाद लाइन आएगा? बहुत ही खुशी होगी हमें, हमारी कॉलोनी पूरी लाइट से जगमगा जाएगी। और तुमको रोशन कैसा लगेगा? सबसे बड़ा बात लाइट आएगा तो सबसे पहले इन्वर्टर में रखा, ये लोग रिशु को उधर छोड़ दिया है, देखिए एक उधर आ रहा है, रिशु को वहाँ ये लोग छोड़ दिया, बताइए जल्दी आओ, कार्यकर्ता में सही लोग, बहुत मेहनत किया जा रहा है। देखिए ये जो लड़का है ना, ये बहुत मेहनती है। और डीके भैया कैसा लग रहा है, मतलब मन में खुशी है? देखिए दो रस्सी पकड़ लिए हैं, मतलब दोनों तरफ से, देखिए ये पेड़ गिराने की कोशिश, छोटू एकदम पूरा पावर लगाए हैं, छोटू वाह छोटू अरे छोटू देखिए, छोटू काटू करा है। 346 minutes later. हाँ तो आगे फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं अब देखने के लिए लाइट कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस में है। और ये आप देख सकते हैं ग्लास फैक्ट्री का हाईवे का नज़ारा, हमारे साथ आसिफ भी है और इधर जिसान रजा, बस गाड़ी चलाते हुए, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हुआ है, काम कहाँ तक पहुँचा है। अभी दुर्गा मंडप हम लोग जा रहे हैं, जी साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, सारे लोग वहाँ पे हैं, पेड़ कट चुका है, दो पोल में कनेक्शन बचा हुआ था, अभी देखते हैं वो कनेक्शन चढ़ पाया है कि नहीं, नहीं चढ़ा होगा तो चढ़वाया जाएगा उसको, क्योंकि हम लोग काम किए तो कॉलोनी वालों को बहुत उम्मीद है हम लोग से, है ना, उम्मीद है, अभी सब चाची लोग पूछ रही है, हाँ हर कोई पूछ रहा है यार, अभी भी इंतजार में कॉलोनी वाला बैठा हुआ और ऊपर से कॉल कर करके रामगढ़ रांची से, हाँ एक जन रांची से राहुल, अगर तुम देख रहे हो ब्लॉग, वो रांची से हमें पास किए हुए हैं, सूरज अलग सूरज अलग रामगढ़, मतलब जिला जिला से हमें पास किया जा रहा है, मेरा तो काम है टिपटिपिया वाला, हाँ प्रेशर है, प्रेशर है मालिक का, एक घंटा और बच रहा यहीं से आगे से घूमेगा गाड़ी, प्रेशर ज्यादा है ना, समझ नहीं आ रहा किधर। अब मौसम एक बार आप देख सकते हैं, काफी सेक्सी मौसम हो चुका है, बहुत ही ज्यादा, भुरकुंडा में ऐसा मौसम बहुत कम ही देखने को मिलता बहुत है, बहुत कम, रेनबो अभी दिखने ही वाला है, हाँ रेनबो उनबो सब यहाँ से दिखता है, बुर्ज खलीफा हल्का दिखता है लेकिन थोड़ा सा है ना, बुर्ज खलीफा का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से तुमको डैम से दिखता है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग वहीं। तो आप लोग सब बिजली विभाग से हैं, प्राइवेट से हैं? चलिए ठीक है, आज आ जाए लाइन, है ना, नहीं आ पाएगा। लेट भी आ चुका है और शाम हो चुका है 5:30। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं फिर हम आपको किसी नए से ब्लॉग में, तब तक लियो काफ़ी।